आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम हेयर क्वेश्चन इज गिवन स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ देयर इज वन पर्सन सीट बिटवीन एन एंड M and one of them sit at the extreme end of the row. There are three persons sit between N and C. L sits second to the left of C. There are six persons sit between C and B who sits third from one of the N. B sits second to the left of R who does not sit at the extreme end. There are four persons sit between O and N. More than three persons sit between एम एंड ओ देर आर टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड आर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है देन एम फर्स्ट केस हो सकता है सेकेंड केस एम एन इस तरीके से अरेंजमेंट होगा नेक्स्ट बोला हुआ है वन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो यहां पर एक्सट्रीम एंड नहीं बताया हुआ है राइट एंड है या फिर लेफ्ट एंड है यहां पर फोर पॉसिबिलिटी होगी अरेंजमेंट को ड्रॉ करते हैं एन एन एंड एन एंड एम को इस तरीके से अरेंज करते हैं यहाँ पर एन और ये एम ये राइट हैंड पे है लेफ्ट एंड में अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एन वन पर्सन छोड़ के एम केस वन है केस टू है ये यहाँ पर केस थ्री ड्रॉ करते हैं और यहां पर केस फोर ड्रॉ होगा एम और एन को इस तरीके से अगर अरेंज करें राइट right हैंड में करते हैं एम देन यहाँ पर एन की पोजीशन लेफ्ट हैंड में अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एम वन पर्सन छोड़कर यहाँ पर एन की पोजीशन होगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं देर आर थ्री पर्सन सिट बिटवीन एन एंड सी एंड यहां पर है इधर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड है वन टू थ्री यहां पर सी की पोजीशन होगी नेक्स्ट यहां पर देखते हैं वन टू थ्री यहां पर सी की पोजीशन होगी वन टू थ्री यहां पर सी की पोजीशन होगी और इस केस में वन टू थ्री यहाँ पर सी की पोजीशन होगी एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एल की पोजीशन सी के सेकंड लेफ्ट में होगी सी नॉर्थ फेसिंग है लेफ्ट इधर को होगा यहाँ पर एल की पोजीशन होगी इस केस में एल की पोजीशन को यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर एम ऑलरेडी है मतलब इस केस को डिस्कार्ड करना होगा यहाँ पर देखते हैं सी और उसका सेकंड लेफ्ट यहाँ पर होगा एल की पोजीशन होगी ये और यहाँ पर एल की पोजीशन इस तरीके से होगी देर आर सिक्स पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी बी की पोजीशन को इधर नहीं रख सकते क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड है तो यहाँ पर सी और बी के बीच में सिक्स पर्सन होना चाहिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर बी की पोजीशन होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर बी की पोजीशन होगी और इस केस में देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर बी की पोजीशन होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर बी की पोजीशन होगी हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड बी के बारे में बताया हुआ है थर्ड है यहाँ पर वन टू थर्ड हो गया है पोजीशन यहाँ पे वन टू ये भी थर्ड पोजीशन हो गई One, two, और यहां पे बी की पोजीशन बताया हुआ second to the left of R है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है आर की पोजीशन यहाँ पर होगी इस केस को तो डिस्कार्ड कर दिया हमने इसको हटा देते हैं केस टू को आर की पोजीशन यहाँ पर होगी और इस केस में आर की पोजीशन यहाँ पर होगी Who does not sit एट द एक्सट्रीम एंड आर की पोजीशन बताया हुआ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है मतलब ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से ये पॉसिबिलिटी भी खत्म होती है इसको भी हटा दिया हमने देर आर फोर पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन ओ की पोजिशन वन टू थ्री फोर यहाँ पर ओ होगा यहाँ पर देखते हैं वन टू थ्री फोर यहाँ पे ओ होगा मोर देन थ्री पर्सन सीट बिटवीन एम एंड ओ यहाँ पे देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर सिक्स पर्सन है एम एंड ओ के बीच में ये कंडीशन तो करेक्ट है यहाँ पे अगर देखते हैं एम और ओ के बीच में वनली टू परसन है तो ये केस रॉन्ग होगा ये केस डिस्कार्ड होता है यहाँ से जो हमारा केस वन है वो करेक्ट है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं देर आर टू पर्सन सीट बिटवीन के एंड आर के की पोजिशन यहाँ पे नहीं रख सकते एल ऑलरेडी है तो यहाँ पर वन टू ये के की पोजिशन हो जाएगी इस तरीके से हमें अरेंजमेंट ऑप्टेन हो रहा है देखते हैं क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो काउंट करते हैं वन टू थ्री

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर